अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जो नई एजुकेशन स्कीम आई है 2021, जो उसका ड्राफ्ट हमसे शेयर हुआ है, अभी वो फाइनल चीज नहीं है, ड्राफ्ट फॉर्म में हमसे शेयर हुआ है। हमने उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी परेशानी है। वो ये कि 2-3 दिन से हम नोट कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे थे, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही थी। और ऐसे में वो स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, जो सेप्टेम्बर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो गए, वो बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो गए। और वो बार बार कह रहे थे कि सर हमें नहीं समझ आ रहा है कि क्या है ये नई स्कीम, क्या है ये, किस तरह से काम करेगी, हम पे कैसे अप्लाई करेगी, हमें वेट करना है नहीं करना। उसमें बहुत सारी मिस थी, बहुत सारी बातें, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत सारी एम्बिग्युटीज हैं कि इस चीज का क्या मतलब है, उस चीज का क्या मतलब है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने एक सेशन प्लान किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस पे को वीडियो इस तरह की चीज करें, बट हमें लगा कि एक सेशन जिसमें एक थोरो एक्सप्लेनेशन हो कि एजुकेशन स्कीम का जो ड्राफ्ट है उसमें क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, उसमें किन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अभी डन हो चुकी हैं, फाइनल है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अभी जो है वो डिस्कशन होना बाकी है। तो ऐसे में जो हमारा कैप्शन है, एक चीज थ्रू आउट सेशन आपने जहन में रखनी है, जो चीज मैंने सामने डिस्क्लेमर में भी दे दी है, दिस इज मच इम्पोर्टेंट टू नोट कि अभी जितनी भी कहानी डिस्कस हम कर रहे हैं वो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट की बेस पे कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट अभी फाइनल नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आईकैप ने अपने मेंबर्स के अप्रूवल के लिए अपने वेबसाइट पे रखा कि हमारे मेंबर्स इसको देखें और जुलाई एंड तक इसके ऊपर कमेंट्स दें, और ताकि हम उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करना है, क्योंकि बायलॉज के अंदर चेंजेस और वो सारी नई स्कीम आने से काफी ज्यादा चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये कहीं फाइनल सिचुएशन में आएगी। तो इस वक्त हतमी तौर पे ये कह देना कि ये आ चुकी है ये भी सही नहीं है, और ये कह देना कि अभी बहुत दूर है, साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो थोड़ा सा हमने सारी चीजें बात करनी है। मैं जितनी डिस्कशन कर रहा हूँ एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पे कर रहा हूँ, हो सकता है आज से 1 महीने बाद ये हुई भी डिस्कशन इनवैलिड हो जाए, क्योंकि उस वक्त उस ड्राफ्ट में चेंज आ चुका हो। तो आज की तारीख 15 जुलाई 2021 के मुताबिक मैं इस टाइम पे 7:30 बजे के आसपास आप लोगों को जो बात बता रहा हूँ वो अभी तक वेबसाइट के अनुसार वैलिड है। लेकिन अगर इसमें कोई चेंज बाद में आता है तो आपने उस वक्त लेटेस्ट डॉक्यूमेंट को देखना है, मेरी ये वीडियो आउटडेटेड तस्वीर की जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें एक तो दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अभी मेंबर्स की भी कमेंट्स आने हैं और गवर्नमेंट के भी, तो इसलिए जो है वो आपने उन चीजों को ध्यान में रखना है। मैं करंटली जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ है उसके स्नैपशॉट से शेयर करूंगा और उसके ऊपर अपनी कमेंट्री कर रहा हूंगा कि क्या है और किस तरह से। मीनवाइल आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं। इस टाइम पे मेरे साथ 5 से 6 टीम मेंबर बैठे हुए हैं जो थ्रू आउट आपके सवाल, उन सबके साथ मेरी एक बड़ी थोरो सेटिंग हुई है। जितनी भी एक्सपेक्टेड सवाल हैं और जो चीजें हमने उनके ऊपर डिस्कशन की है, मैंने उनको अपना प्लान बताया है। देन अब आप लोगों से सजेस्टेड यही है कि एक दफा आप मेरे साथ साथ चलते रहें, साथ साथ चलते चलते बीच में आपको तकरीबन सारे तरह के मसले आपके हल होते चले जाएंगे, और फिर जो कंफ्यूजन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, और जो चीजें फाइनल हो चुकी हैं और जो चीजें उन्होंने बताई हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी। तो थोड़ा सा हौसले से आपने साथ चलना है, क्योंकि हमने एंड पे एक ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर सेशन करना है जब तक आपके सवाल जवाब चल रहे होंगे। हतमी चीज ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता, मैं आईकैप का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन बींग अ टीचर बींग अ मेंटोर हमें लगता है कि वो जो इतनी डिस्टर्बेंस है उसको खत्म किया जाए। पहले हमने सोचा हम रिस्पॉन्ड ही ना करें, स्टूडेंट से कहें भाई छोड़ो इस वक्त अटेंड पे फोकस करो, लेकिन जितना मर्जी कह दिया, बच्चे कहते नहीं नहीं सर पढ़ाई नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, हमारा पेपर चला गया, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए इस सेशन का मकसद आपको थोड़ा रिलैक्स करना भी है, थोड़ा सा ईज डाउन करना है कि भाई एक अनाउंसमेंट है जो कि अभी भी बहुत फाइनल नहीं है, तो उसकी बेस पे इतने बड़े बड़े डिसीजन मत लेंगे कि मैं पेपर छोड़ दूं, मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं। थोड़ा सा हौसले से थोड़ा सा साथ साथ चलने की कोशिश करनी है। हमारा पैटर्न क्या है इस सारी डिस्कशन में, हम क्या चाह रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूं कि आप किन चीजों को जरूर अंडरस्टैंड कर लें, किन चीजों को जरूर अच्छी तरह से समझ लें। हमारा जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है वो ये है कि सबसे पहले क्या इफेक्टिव डेट कम्युनिकेट हुई है कोई, ये एक अहम बात है। सब्जेक्ट वाइज नई ग्रुपिंग क्या है, अब अगेन मैं इस टाइम पे ना 2-3 तरह के ऑडियंस को देख रहा हूँ। एक वो ऑडियंस जो जानने आई है कि एजुकेशन स्कीम 2021 का जो अब ड्राफ्ट आया है पिछले वाले से इम्प्रूव होके, उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक वो ऑडियंस है। दूसरा ऑडियंस वो है जो केएफ के दरमियान में, और वो सोच रहे हैं अच्छा मेरे कौन कौन से पेपर अफेक्ट हुए। तो मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा, नए यूजर्स को बताऊंगा कि स्कीम में क्या है, और पुराने यूजर्स को बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे फर्क पड़ा है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहे।
सब्जेक्ट वाइज न्यू ग्रुपिंग क्या हुई है ये चीज हमें जाननी है। देन ओल्ड वर्सेस न्यू सब्जेक्ट्स का आपस में मैपिंग क्या है, नई स्कीम में जो पेपर्स हैं वो क्या है, पुरानी स्कीम में पेपर्स कौन से हैं, कौन से पेपर की बेस पर कौन से पेपर की एडजस्टमेंट हुई है, ट्रांजिशन स्कीम स्टूडेंट्स जो दरमियान में है उनके लिए क्या है, और फिर उनकी अगर अभी तक कुछ अटेम्प्ट गुजर चुकी थी और कुछ पेंडिंग थी तो अब उनकी अटेम्प्ट की रिवाइज कैलकुलेशन किस तरह से होगी इस पर बात होगी। एक्सपोजर ड्राफ्ट के अंदर जो कुछ एम्बिग्विटीज है, कुछ ऐसी चीजें जो अभी मुबहम है, क्लियर नहीं है, कुछ चीजें अभी उन्होंने खुद भी नहीं बताई क्योंकि अभी उनकी तरफ से भी उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी है, हम उस पर बात करेंगे। डिफरेंट तरह के स्टूडेंट को क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना चाहिए ये चीज जानना बड़ा जरूरी है कि हर तरह के स्टूडेंट पे क्या अप्लाई हुआ है और किस स्टूडेंट को बिल्कुल पैनिक नहीं होना, कौन से स्टूडेंट को थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सीरियस होने की जरूरत है। क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड होंगे तो हम थ्रू आउट इस पैटर्न पे चलेंगे, एक एक करके इन सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर थ्रू आउट हम सारी की सारी डिस्कशन कर रहे होंगे। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस में कौन लोग हैं, तो मैं एक पोल आप लोगों से शेयर करने लगा हूं। आपके सामने स्क्रीन पे एक पोल आएगा, आपने इसके मुताबिक जितने भी ऑडियंस मेरे पास मौजूद हैं आप सब ने इस पे क्लिक करना है, आपका नाम सामने नहीं आएगा। जितने भी ऑडियंस है इस वक्त तकरीबन मुझे छोड़ के 500 ऑडियंस है, तो ये आप लोग जिस जिस पे भी क्लिक करेंगे ध्यान से पढ़ें, एक मिनट का टाइम है, आपका स्टेटस क्या है, इन पांच में से आपका स्टेटस क्या है, क्या आपने एएफसी क्लियर की है अभी जून 21 अटेम्प्ट में, क्या आप इनिशियल पेपर्स की क्लासेस ले रहे थे जिसमें आपका कैफ 1-2 वगैरह भी आ जाता है, क्या आप कुछ ऐसे पेपर दे रहे थे जिसमें कैफ 3-4 इन्वॉल्व था और आगे के पेपर थे, या आप 5 से 9 के दरमियान है, या आप कैफ क्वालिफाई करके आगे सीए फाइनल में गए और आप सीए फाइनल पे देखना चाह रहे हैं कि आपको क्या इम्प्लीकेशन आएगी इस नई स्कीम से। मेरे पास 48% वोट हुए हैं, 65% जिनसे वोट नहीं हो रहा स्क्रीन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके देखें वो क्लिक कर सकते हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी ऑडियंस है वो किस कैटेगरी में है ताकि हम उनके उनको फोकस करते हुए जरा ज्यादा बातें उनकी तरफ कर सके और जो ऑडियंस थोड़ा सा कम है तादाद में उनकी बात जब भी आए तो हम थोड़ा सा तेजी से गुजर सके। तो इस वक्त आपको जानना जरूरी है कि आपके क्या स्टैट्स हैं। 86% वोट आए हैं, 10 मजीद सेकंड में कोशिश करें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करके आप वोट जरूर कर दें ताकि हम देखें कि हमारे इस वक्त डायनामिक्स क्या है। डन जी, हमारे पास 90% वोट आ चुके हुए हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। एक दो ने ड्रॉप कर दिया, 89, 90% ले जी मैं रोक रहा हूँ। ले जी 6% वो हैं जिन्होंने जून 2000 इस वक्त जितने ऑडियंस आए हुए हैं जितने भी अटेंडीज हैं उनमें से 6% वो हैं जिन्होंने अभी जून में एएफसी क्लियर किया है और अब वो फास्ट ट्रैक में कुछ पेपर प्लान कर रहे थे। 39% जो कि एक बड़ी ह्यूज परसेंटेज है उन स्टूडेंट्स की है जो पहले एक दो पेपरों से जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बन रहा है। 32% वो हैं जो आगे के पेपर पढ़ रहे हैं पहले दो से आगे जिसमें कैफ 3 या 4 दोनों के दोनों या दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व है। 20% हैं कैफ 5 से कैफ 9, मुबारक हो आप लोगों को, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और 2% सीए फाइनलिस्ट हैं जो कि कैफ कर चुके हुए हैं। अब सीए फाइनल पे चेंज बहुत कम है, बहुत ज्यादा हैवी चेंज नहीं है, कैफ 5 से लेके 9 तक चेंज ना होने के बराबर है। जो असल इंपैक्ट हुए हैं वो कैफ के शुरू के 4 पेपर हैं या एएफसी से कैफ के दरमियान मूव होते हुए स्टूडेंट्स हैं। अगेन ये जब मैं कह रहा हूँ ना इंपैक्ट हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो वाकई ही कंफर्म इंपैक्ट हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉलिसी अपनी इफेक्टिव डेट के ऊपर आती है जो वो प्लान कर रहे हैं तो फिर वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो जितनी भी बातें हैं वो अजम्पशन लेके कि डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसको बताया जाए और उसके बाद हमने उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, मैंने ये समझने की कोशिश की कि मेरी ऑडियंस किस कैटेगरी की है। मैं जरा ये पोल क्लोज कर दूं ताकि आपके पास दोबारा से मेरी स्क्रीन आ जाए।